हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ BMW X1 के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी इंजन टाइमिंग। तो इजीली मैं आपको जनरली जो बेसिक जो टाइमिंग है इसका वो मैं आपको बताने वाला हूँ या मैं किस तरीके से इसका इंजन टाइमिंग मिलाना है। तो इंजन टाइमिंग मिलाने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको इसके मार्क दिखा देता हूँ। ये है इसका पूरा कम्प्लीटली इंजन। तो मैं इसका इंजन ओवरऑल कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो पूरा कम्प्लीटली मैं इसका इंजन का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके कैम शाफ्ट पर ये यहाँ पर मार्क है। ओके, तो ये दोनों डॉट इस साइड में होते हैं, दो डॉट्स, और इस साइड में है इसका एक डॉट्स। ओके, तो ये दोनों आपको आमने सामने इस तरीके से लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका आप कैमशाफ्ट का इस तरीके से टाइमिंग ले सकते हैं। और इंजन का टाइमिंग लेने के लिए फ्रेंड्स अभी या तो आप एक बेसिक जिस तरीके से आप और गाड़ियों का टाइमिंग लेते हैं जनरली टॉप पोजीशन पर लेकर के पिस्टन को TDC पोजीशन पर लेकर के, यानी कि सिलेंडर नंबर एक को ऊपर लेकर के और सिलेंडर नंबर चार को ऊपर लेकर के। तो अभी मैंने सिलेंडर नंबर एक और चार दोनों को ऊपर लिया हुआ है। तो दोनों पिस्टन मेरे टॉप डेड सेंटर पर हैं। तो इसके लिए मैंने अभी इसके फ्यूल इंजेक्टर खोले हुए हैं। तो मैं आपको एक वायर की हेल्प से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसमें इतना जा रहा है अंदर वायर। ओके, और ये सिलेंडर नंबर दो में इतना अंदर जा रहा है। तो ये मैंने अभी इस समय टॉप डेड सेंटर पर लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप टॉप पे लेकर के आप इसकी चेन को लगा सकते हैं। ओके, तो अगर आपको थोड़ा बहुत 19-20 एडजस्टमेंट करना है तो ये आप तीन बोल्ट खोल करके आप इसकी कैम को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वही डॉट्स इस साइड भी दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप इस साइड से भी इसका टाइमिंग मिला सकते हैं। ओके, तो ये था इसका ऑयल पम्प का चेन और ये था इसका क्रैंक शाफ्ट टू हाई प्रेशर पम्प पर चेन, और हाई प्रेशर पम्प से सीधे कैम शाफ्ट पर चेन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से इसका टाइमिंग है इंजन का। और बेसिकली जो इसका कंपनी के हिसाब से अगर आपको टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके लिए आपको इसका टाइमिंग कवर लगाना होगा। ओके, जो कि ये है, तो ये है इसका टाइमिंग कवर। तो ये आप समझ रहे हैं ये हमें किस तरीके से लगाना है। तो ये इस तरीके से फिटिंग होगा, ये टाइमिंग कवर इस हिसाब से इसमें फिटिंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ये एक छोटा सा होल देखेंगे। तो इस होल में आप यहाँ पीछे से इस साइड से, ये देखिए इसमें कंपनी ने एक डिज़ाइन बना के दिया हुआ है, आप यहाँ पीछे से इसमें 17 नंबर या 10 नंबर का एलंकी या बोल्ट 17 नंबर का वो लगा देंगे। ओके, और वो जैसे ही वो बोल्ट इस साइड यहाँ पर आएगा, इस तरीके से यहाँ पर आएगा, तो ये फ्लेवील जब आप इस कार में यहाँ पर फिटिंग करेंगे, तो ये फ्लेवील में आप यहाँ पर एक कट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये इसका इंजन यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से इसका इंजन पीछे की साइड से लॉक हो जाता है। जैसे कि मैं इसको बोल्ट को लगा देता हूँ और आप इसका इंजन इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इसका टाइमिंग, ये आप इसका इंजन इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। और कैमशाफ्ट का टाइमिंग मैंने आपको दिखा दिया, ये आप मार्किंग ले सकते हैं इस तरीके से और पीछे दोनों मार्क यहाँ से आप मिला सकते हैं इसके। ओके, और पिस्टन को एक नंबर और चार नंबर को आपको टॉप पर रखना है ऊपर की तरफ, और दो नंबर तीन नंबर पिस्टन को आपको नीचे की साइड रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका BMW X1 के इंजन का टाइमिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई सवाल जवाब सुझाव है मेरे लिए तो हमें कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।